सिक्योरिटी हाथ होती है बटा। ओ भाई जान बैटरी खत्म होने वाली है, एक्शन शुरू करें एक्शन। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह द बॉयज प्लेट रियली वेल बट राइट थैंक यू ऑलमाइटी अल्लाह। नाज़रीन आप सबका इस शो में खुशामदीद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लकड़ी का क्रेट है और हमारे यहाँ इन क्रेटों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है जो कि है पिल्ले पिल्ले रसीले आपस वाले आम। अब देखते हैं पबजी के क्रेट में क्या होता है। अरे लेवल 1 हेलमेट ये तो कोई काम का है नहीं। आगे क्या है, फ्लेयर गन मिली भाई, खाली है, ये भी कोई काम का नहीं है। स्टन ग्रेनेड ये तो बिल्कुल ही नकारी है। अरे बहरा कर दिया यार। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये होता है क्या इससे, पहले बता देते मुझे। अब मिली ना कुछ जानी पहचानी चीज। अरे इंजी भाई मत चलाओ, मर जाऊंगा भाई। अरे नहीं मारूंगा भाई, नहीं मारूंगा, सेफ्टी ऑन है। कितने डर गए तुम भी। चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्या मिलता है हमें इस क्रेट में। बैंडेज ये कोई काम का नहीं है। एनर्जी ड्रिंक ये रख लेता हूँ, रात में बेगम के लेग पीस के साथ बड़ा मजा आएगा। देखते हैं आगे क्या है। पेन किलर बेगम से मार खाने के बाद में ये काम आएगा, ये भी रख ही लेता हूँ। आखिर में क्या है, सिरंज भी है इसमें। अब ये जो नशे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब मानो करते ही, मतलब मैंने कभी किया नहीं है, वो बस गलती से एक दफा वो आमिर के साथ में करने नहीं चाहिए ये वाले नशे, ये मतलब। अगली दफा नहीं करूंगा, लेकिन आमिर ब्रो दिस शिट इज लिट। ये क्या घास फूस डाल दिया है इसमें, मटन चिकन होता तो फिर भी खा लेता लेकिन ये। अरे जी भाई ये घास फूस नहीं गिली सूट है, ये पहन लेंगे तो आपको कोई देख नहीं पाएगा। देख नहीं पाएंगे मतलब मैं गायब हो जाऊंगा। मैं कहाँ हूँ, मैं गायब हो गया हूँ। ये देखो कप अपने आप उड़ रहा है। बताओ मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूँ। चेयर अपने आप गोल घूम रही है। अरे जी भाई कहाँ गए, कहाँ चुप के बोल रहे हो, आ जाओ सामने। हाँ सही कह रहे हो तुम भी, बहुत खेल लिया इसमें। हाँ आ जाओ सब वेट कर रहे हैं। आ गया हूँ ना मैं अभी, सामने तो आ गया हूँ। नहीं इंजी भाई नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हो आप। अरे मैं इधर ही बैठा हूँ चेयर पे। कौन सी चेयर पे, सामने वाली चेयर पे तो कोई नहीं है। इधर इधर देखो। अरे भाई जान नहीं दिखाई दे रहे, मजाक मत करो बाहर आओ। कुर्सी हिल रही होगी, देखो ना हिल रही है ना कुर्सी। अरे कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही है इंजी भाई। अरे अपने आप नहीं हिल रही, मैं बैठा हूँ उसमें ना। अरे इंजी भाई मजाक मत करो यार बाहर आओ। अरे तुम्हारे सामने बैठा हूँ उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अल्लाह बेगम के पास भी जाना है, पूरा मुल्क का ध्यान रखना है। इमरान भाई बोलो इनको प्लीज वापस बुला लो मुझे। अरे भाई जान मजाक कर रहे थे, भाई जान तो डर गए। बदतमीज, काफी बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम लोगों का, मतलब हाँ मेरी तरह एकदम। हाँ ठीक है इंजी भाई, हाँ चलिए आगे करते हैं। हाँ आगे करते हैं, क्यों नहीं, बकचोदी करने थोड़ी ना बैठे हैं, है ना। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ये एक ग्रेनेड है जो कभी भी फट,
प्रैंक इंजी भाई प्रैंक, आप देख रहे हैं विराट की वाइंस और वो रहा मेरा कैमरा और मैंने कर दिया इंजी भाई पे प्रैंक। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वो देखो कालू आ गया। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। ओ सॉरी बराक ओबामा। क्या आपके दोस्त आपको ए कालू कहकर चिढ़ाते हैं? क्या आपके दोस्त आपको अंधेरे में ढूंढने का नाटक करते हैं? क्या आपके दोस्त वेस्ट इंडीज से मैच हारने के बाद आपको गालियां देते हैं? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल साबुन। ये साबुन बना है खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, इसलिए इसके सारे चारकोल एक्टिवेटेड है। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इसे आप ऐसे मुझे में डालिए और जो वो काला बोले उसका मारिया दे दिया खतरनाक मारिया मारिया ऐसे मारिया पीछे मारिया गाड़ी मारिया पीछे मारिया पीछे मारिया। तो नाजरीन हमें इस पबजी क्रेट की अनबॉक्सिंग करते करते बहुत ज्यादा मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया कि हम इसे देते हैं 5 में से पूरे के पूरे क्राउन 5। लेकिन मुझे पबजी खेलते खेलते ऐसा लगा कि हम पाकिस्तानियों को और इंडियंस को ना आपस में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमें एक स्क्वाड बना के खेलना चाहिए। कभी हम नॉकआउट हो जाए तो तुम रिवाइव कर देना, कभी तुम नॉकआउट हो जाए तो हम रिवाइव कर देंगे, और मानो जीत गए तो चिकन डिनर भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, लेग पीस तो मेरी ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे पबजी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे इन जिंदा बाद मेरा यूजर नेम। तो इसी बात में मैं आप सभी से विदा लेता हूं, अल्लाह हाफिज। हाँ बातों ही बातों में मैं इतना बड़ा मैसेज दे देता हूं, है ना? हाँ इंजी भाई बहुत आला, दिल जीत लिया आपने। आजा विराट एक डुओ लगाते हैं। हाँ बूट कैंप उतरेंगे। बदमाश प्रैंक करेगा। सॉरी सॉरी इंजी भाई सॉरी सॉरी। अच्छा एक क्रिकेट वाला जोक सुनाऊं? सुनाओ। अच्छा तो जब रवि शास्त्री डेंटिस्ट के पास चेकअप कराने गया तो पता है डेंटिस्ट ने क्या बोला? क्या बोला? कि आपके दांतों में तो गोटे फंसे हुए हैं। ये वाला रख लेना।